दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे माल्टा वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच खेले जाने वाले T10 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर है जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पर क्लीन स्वीप ही करा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको 100 रुपये फ्री पेटीएम चाहिए तो देखिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप स्पोर्ट्सी ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो स्पोर्ट्सी ऐप आपको 100 रुपये फ्री पेटीएम देता है। तो स्पोर्ट्सी ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। स्पोर्ट्सी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करके स्पोर्ट्सी को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब रजिस्टर करो तो वही नंबर डालना जिससे आपका पेटीएम अकाउंट बना हुआ है, तो तुरंत आपके पेटीएम में 100 रुपये फ्री आ जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो उम्मीद करता हूँ आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और मैं हर वीडियो में आपको हर प्लेयर के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ, तो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बात करें हमारी फैंटेसी टीम की, तो विकेट कीपर में आपके पास जजाई का ऑप्शन है और यहाँ से DP हो जाएंगे। दोस्तों जजाई के बारे में बात करें, जजाई नंबर 5 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, वहीं DP जो है आपको नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा, देखिए दोस्तों जिसकी टीम पहले बैटिंग करे तो आप उसको अपनी टीम में रखिए, क्योंकि उस केस में उसके पूरे चांसेस है बैटिंग आने के। अगर DP पहले खेलेंगे तो हम इनको अपनी टीम में रख लेंगे, बाकी जजाई खेलेंगे तो जजाई को अपनी टीम में रख लेंगे, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में जो नंबर 5 है बहुत नीचे हो जाता है, तो उस केस में फर्स्ट इनिंग्स में जो बैटिंग करेगा वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल मैं जजाई को रख लेता हूँ, लेकिन अगर माल्टा पहले बैटिंग करेगी तो मैं DP को ही अपनी टीम में लेके जाऊँगा। बात करें ऐसे सिगीवाल के बारे में, दोस्तों नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, टीम के कैप्टन है, लेकिन रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। 4 रन करे, फिर 0 रन करे, फिर 0 रन करे, फिर 44 रन करे एक इनिंग्स में और 0 रन, तो 5 मैचेस में अगर आप देखोगे तो एक मैच में 44 रन आए, उसके अलावा 3 मैचेस में 0 पे आउट हो गए और एक मैच में सिर्फ 4 रन करे, तो इतने मुझे फॉर्म में लग नहीं रहे। वासिल जॉर्ज के बारे में बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको करके देने वाले प्लेयर और ओपन करेंगे, और रिसेंट में माल्टा T10 में भी आपने इनको देखा होगा, लगातार हर मैचेस में इन्होंने जो है परफॉर्मेंस दिया था। लास्ट कुछ मैचेस बताऊँ तो एक मैच में 3 विकेट निकाले, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, तो लगातार विकेट जो है निकालते हुए आए। कैलाश के बारे में बात करें, एक और आपके लिए मस्ट पिक होने वाले दोस्तों इस मैच के लिए। अगर मैं बात करूँ बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो देखिए आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों अगर रिसेंट में बात करूँ, एक मैच में 13 करे, फिर एक में 15 और एक में 8 रन करे, उससे पहले 45 करे, फिर 25 करे, ओपनर है दोस्तों, रन करके दे सकते अटैकिंग खेलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। वहीं रियान के बारे में बात करूँ तो अब तक जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और इससे पहले भी माल्टा T10 में खेले थे, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। और अगर मैं रिसेंट के इनके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ, एक मैच में 34 करे, फिर 18 करे, फिर 36 रन करे, तो हर मैच में लगभग जो है रन कर ही रहे हैं। नीरज खन्ना के बारे में बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा इनका नीचे हो जाता है, नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे और विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो आप इनको पहले बैटिंग करते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। अभी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, नहीं तो बॉलिंग भी ये जो है करवा लेते हैं दोस्तों। वहीं रंधावा आपके लिए इस मैच में ट्रंप प्लेयर होने वाले, सेलेक्शन इनका मात्र 40% है दोस्तों, और ताबड़तोड़ ये खेलते हैं। अगर मैं रिसेंट बताऊँ रंधावा का, तो एक मैच में 9 करे, एक में 14 करे, फिर 73 करे, फिर 78 करे, तो यहाँ से टच में तो है, 2 इनिंग्स अच्छी के लिए परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से रंडावा को अपनी टीम में रख रहा हूँ। रियान हो जाएंगे, कैलाश हो जाएंगे और बासिल जॉर्ज, 4 मेरे यहाँ से जो है ये बैट्समैन रहने वाले हैं। फिलहाल बात करें अगर दोस्तों यहाँ से ऑलराउंडर में, तो देखिए यहाँ से इकबाल का आपके पास एक मस्ट ऑप्शन होने वाला है, विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों, विकेट निकालते हुए आ रहा है अब तक, तो इनको तो अपनी टीम में लेना बनता है। अगर मैं आपको रिसेंट अगर मैं बताऊँ इकबाल के बारे में, तो देखिए यहाँ से 2 विकेट निकाले, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, 1 विकेट और फिर 0 विकेट, तो 5 मैचेस अगर आप रिसेंट के देखोगे
तो उसमें जो है इनके लगभग 4 विकेट है, जो कि ठीक ठाक है, उससे अच्छी परफॉर्मेंस भी ये आपको दे सकते हैं। फिलहाल मैं इकबाल को रख रहा हूँ। मुगल के बारे में बात करें दोस्तों, एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रिसेंट की माल्टा T10 में भी आपने देखा होगा, ये बंदा आपको ओपन करेगा प्लस 2 ओवर बॉलिंग से भी डालता है। रिसेंट में बताऊँ तो 0 रन करे, फिर 34 करे, फिर 4 करे, फिर 26 करे और 39 करे, तो बैटिंग में तो ठीक ठाक रहा है। और विकेट भी बताऊँ रिसेंट में 2 विकेट निकाले एक मैच में, फिर 1 विकेट 1 विकेट, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अच्छा है इनका। तो फिलहाल मैं इनको अपने टीम में रख रहा हूँ। वहीं यूसुफ के बारे में बात करें, ग्रैंड लीग में आप इनको रख सकते हो, डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाते हैं। वहीं यहाँ से बात करें, जार्डन और बी खान आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों जो है आपको ओपन में बॉलिंग करवाते हुए नजर आने वाले, तो इसलिए जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, इनको टीम में रखना जो है अपना बनता है। फिलहाल मैं बी खान को भी रख लेता हूँ, जार्डन को भी रख लेता हूँ। रिसेंट में दोनों विकेट निकालते हुए आ रहे हैं और दोनों जो है सामने वाली टीम माल्टा के जो है ओपनरों को आउट कर सकते हैं इस मैच में, अगर आउट कर देंगे तो आपके पास ही विकेट आ जाएंगे। फिलहाल मेरे यहाँ से 4 ऑलराउंडर रहने वाले हैं। बात करें अगर दोस्तों यहाँ से बॉलिंग में, तो देखिए अब्बास का आपके पास ऑप्शन है, तरीक हो जाएंगे, दीदार हो जाएंगे, ऑप्शन के पास आपकी कमी नहीं है। तरीक के बारे में बात करूँ दोस्तों, आपको तरीक और दीदार जो है ना आपको डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नजर आने वाले, तो अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है ऑस्ट्रिया, ठीक है, तो इनको अपनी टीम में जरूर रख लेना, उस केस में आपको जो है डेथ में बॉलिंग करवाएंगे तो विकेट निकाल सकते हैं। अगर रिसेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊँ, जैसे तरीक के बारे में बताऊँ, एक मैच में 2 विकेट निकाला, एक में 4 विकेट निकाले और एक में 0 विकेट निकाला, एक में 1 निकाले, 2 मैच, तो 5 मैचेस में अगर आप देखोगे दोस्तों तो लगातार इनके जो है लगभग आप देख सकते हैं 9 विकेट के समथिंग जो है इनके 5 मैचेस में रहे, तो हर मैच में विकेट निकाल देते एक तरीके से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं यहाँ से मैं दीदार के बारे में भी आपको बता रहा था, तो एक मैच में जो लास्ट का था विकेट नहीं निकाले, उससे पहले 2 विकेट एक मैच में जरूर निकाले थे, फिर 1 विकेट है, फिर 2 विकेट और 2 मैचेस में 0 रहे, तो 5 मैचेस में इनके 5 विकेट है। वहीं अगर यहाँ से मैं बात करूँ दोस्तों, एक और ट्रंप प्लेयर अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो रश्मिका को अपनी टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ये आपको डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नजर आने वाले हैं। देवासी है दोस्तों लगातार विकेट निकालते हुए आ रहे, डेथ में भी बॉलिंग करवाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अगर यहाँ से माल्टा बॉलिंग करे डेथ में तो आप देवासी को ले लेना, और अगर यहाँ से जो है ऑस्ट्रिया करे तो दीदार को आप इनकी प्लेस पे रख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फैजल रहमान आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एक टॉप पिक होने वाले, जो कि आपको बैटिंग बॉलिंग से अच्छा जो है कॉन्ट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ देवासी को अपनी बॉलिंग से लेके जा रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ से बासिल जॉर्ज आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाले, और वहीं अगर मैं यहाँ से बात करूँ जादरान और यहाँ से मुगल, 3 आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा आप डिफरेंट करना चाहो तो यहाँ से जो है रियान को भी CVC ले जा सकते हो। फिलहाल मैं बासिल जॉर्ज को कैप्टन कर रहा हूँ, मुगल को वाइस कैप्टन लेके जा। दोस्तों टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, तो फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। आप इस टीम के साथ अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दोस्तों अगर आपको 100 रुपये फ्री पेटीएम चाहिए तो देखिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप स्पोर्ट्सी ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो स्पोर्ट्सी ऐप आपको 100 रुपये फ्री पेटीएम देता है, तो स्पोर्ट्सी ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। स्पोर्ट्सी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके स्पोर्ट्सी ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब रजिस्टर करो तो वही नंबर डालना जिससे आपका पेटीएम अकाउंट बना हुआ है, तो तुरंत आपके पेटीएम में 100 रुपये फ्री आ जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और नेक्स्ट टाइम एक्टिव रहिएगा।